और फिर उसका स्क्वायर भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर क्या लिया जा सकता है, अभी बिजली कट गई, अब आवाज सुन रहा हूँ, समझ गए। उस दिन नदी बन गई थी तो आज क्या हाल होगा, परसों सुनिएगा। तो देखो क्या है कि मुझे ना ऑड इंटीजर लेना है, तो ऑड इंटीजर की शुरुआत कैसे करेंगे, ऑड इंटीजर की शुरुआत कैसे करेंगे कि सबसे छोटा, अगर मैं इवन इंटीजर की बात करूँ तो वो होगा 2q, है ना, वो 2q होगा। तो मैं ऐसे करूँगा, मैंने लिख दिया 2q, ठीक है, तो 2q का मतलब बी क्या है यहाँ पर, डिवाइजर क्या है भाई, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ना, तो डिवाइजर तो 2 हो गया डिवाइजर। हाँ, तो आर हम कितना ले सकते हैं, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन 2, सॉरी लेस देन 2। तो आर की वैल्यू 2 ही हो सकती है, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। अब अगर आर की वैल्यू 0 हो गई तो 2q + 0, 2q + 0 क्या होगा, इवन, और आर की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली तो 2q + 1, तो सिर्फ ऑड बन गया, तो एक ही ऑड नंबर मिल रहा है। और फिर मेरे को उसका स्क्वायर करके दिखाना होगा, फिर मुझे उसका स्क्वायर करके दिखाना होगा। तो आप ये समझिए कि 2q + 1 पर अगर मैं 2q लेता हूँ, मतलब बी की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ, तो फिर मुझे ऑड इंटीजर केवल एक ही मिलेगा, वो होगा 2q + 1। और जब हमको ऐसी कोई चीज़ प्रूव करके दिखानी होती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम 2 केस या 3 केस बन जाए, ताकि टीचर थोड़ा सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ बच्चे ने 2 या 3 केस करके दिखाए, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप सिर्फ एक केस कह दोगे कि नहीं 2q + 1 एक ऑड इंटीजर है ना, और इस ऑड इंटीजर का स्क्वायर करूँगा, तो फिर वो 4q + 1 की फॉर्म का आ जाएगा, है ना, तो तब बात बनेगी नहीं, मतलब वो आपको हो सकता है कि 1.5 नंबर या 1 ही नंबर दे। तो आप क्या करें यहाँ पर, अब क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है वो करना है 4q + 1 की फॉर्म का, और पहले से ही मुझे ऑड इंटीजर लेकर चलना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म, लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4m + 1 और 4m + 3। देखिए क्यू है ना, क्यू है, अगर मुझे क्यू की टर्म्स में प्रूव करना है तो मैं जो एज्यूम करूंगा वो मैं m या n की टर्म्स में एज्यूम कर लूंगा। अगर मुझे m या n की टर्म्स में प्रूव करना है तो फिर मैं q की टर्म्स में एज्यूम कर लूंगा। मतलब क्वेश्चन होता है ना ये q, तो इस क्वेश्चन q को आप m भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, शायद अभी पहला क्वेश्चन है, हो सकता है समझने में दिक्कत आए, मैं दोबारा बताऊंगा इसको, ठीक है। और ऐसे ऐसे जब हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मुझे जो प्रूफ में चीज़ लेकर आनी है वो 4m + 1 लेकर आना है। तो मैंने जानबूझकर 4m + 1 मान लिया, 4m + 3 मान लिया, और उसके बाद आप ये देखिए क्या मैं 4m + 5 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, क्योंकि 4m + 5 अगर हमने ले लिया तो वो जो ये रिमाइंडर है ये इस डिवाइजर से बड़ा हो जाएगा, इसको तो उससे छोटा होना है फिर। तो 2 केसेस, केस वन क्या है, केस वन में हमने ये कह दिया व्हेन ए इज इक्वल टू 4m + 1, और मुझे 4m + 1 से मतलब नहीं है, 4m + 1 तो एक ऑड नंबर हो गया, मुझे क्या प्रूव करना है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर। तो स्क्वायर करेंगे इसका, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4m + 1 का होल स्क्वायर
4m+1 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर जो है वो 4q+1 की फॉर्म का आ जाए, ऐसा कुछ करना है। अभी करते हैं, इसको एक्सपेंड करिए, 4m का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, 4m का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 4m × 1, ये हो गया। 4m का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, 16m² प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 1 और 2 × 4m × 1, ये कितना हो गया, 8m हो गया। हाँ जी, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे 4q+1 ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस वन है इस प्लस वन को अलग निकाल कर रख देंगे, इसको ऐसा कर देंगे कि 16m² + 8m + 1 को अलग कर दिया, और ये जो पहली और दूसरी टर्म है इसमें से 4 ले लेंगे कॉमन, और कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 4m² + 2m + 1। आपके मन में ये आ रहा होगा, अरे भैया 8 भी आ रहा है इसमें से तो कॉमन 8 ले लो ना कॉमन, और m भी आ रहा है कॉमन तो m ले लो कॉमन, नहीं ले रहा हूँ मैं, मुझे केवल 4 चाहिए कॉमन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अब जितना भी टर्म बचेगा उस पूरे को मैं क्यूब बोल दूंगा, ठीक। इट इज इक्वल टू 4q+1, और यहाँ लिख देंगे वेयर क्यू इज इक्वल टू 4m² + 2m, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, वेयर क्यू इज फॉर सम इंटीजर क्यू, सम इंटीजर मतलब क्यू कुछ भी इंटीजर हो सकता है, तो जब m को मैंने इंटीजर माना है तो m का स्क्वायर भी इंटीजर, उसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर, उसमें 2m ऐड करेंगे वो भी इंटीजर, इंटीजर में इंटीजर ऐड करेंगे इंटीजर ही आएगा, समझ गए। तो 4m² + 2m ये पूरा का पूरा एक इंटीजर हो गया जिसको हमने क्यू बोल दिया, तो 4q+1। तो इसका मतलब जो स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही है ना 4m, क्योंकि 4m क्या है, 4m एक इवन नंबर है, और इवन में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा, तो ऑड का जब स्क्वायर करा तो आ गया ना 4q+1 की टर्म, उसकी फॉर्म का आ गया, ठीक। ये तो पहला केस था, अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस ये है कि a आपका 4m + 3 भी हो सकता है, केस सेकंड। And a is equal to 4m + 3. अब इसका स्क्वायर करो, then a square is equal to 4m + 3 का whole square. It implies that a square is equal to expand करिए भी 4m का स्क्वायर plus 3 का स्क्वायर plus 2 × 4m × 3। कुछ काम दूँ तुम्हें, कुछ काम दूँ ठीक है, खाली बैठे बोर हो रहे हो, अगर कुछ पढ़ना हो तो दे दूँ। a square is equal to 16m² + 9 + 2 = 8 = 24m, ये हो गया। मेरे को तो दिमाग में वही है कि भाई मुझे तो 4q+1 की टर्म का लेकर आना है, इसके जैसा लेकर आना है मुझे आंसर। तो क्या करेंगे, ये जो 9 है ना, इस 9 को लिख देंगे 8 + 1 मतलब कुल मिलाकर बनाना है कैसे भी करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया a² = 16m² + 24m + 8 + 1, अलग कर दिया, समझ रहे हो, नहीं समझे भाई। अगर मुझे बनाना है 4q+1 मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं बाई हुक और बाई क्रूक कैसे भी करके मुझे प्लस वन लेकर आना है, मुझे 9 मिल रहा है ना तो 9 को मैं लिख दूंगा 8+1, और उससे मेरा एक दूसरा भी फायदा हो रहा है, क्या कि ये जो तीनों टर्म्स हैं इन तीनों टर्म्स में से मैं 4 कॉमन ले लूँगा और अंदर जो बचेगा उसको मैं क्यू मान लूँगा। हेलो हेलो एक मिनट, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, फोन आया था मेरा। अच्छा ठीक सर, हाँ एक मिनट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी।
कोई बात नहीं, वेट कर लेगा, बहुत तेज हो रही है, मुझे भी दिख रहा है बहुत तेज। नहीं 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 नहीं, इधर पानी भर जाता है वीवीआईपी के पास ना। ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, ओके ओके। 15-20 मिनट रुको, अब तो मैं काम देता हूँ। ये होमवर्क में नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। नीचे ही आंसर भी लिखे हैं, वो भी टैली कर देना। ये सो रहा है, तो ये तो तीनों टर्म्स हैं, इसमें से मैंने 4 ले लिया था, तो यहाँ क्या बचेगा? 4m² + 6m + 2+1। a² = 4u + 1, where u = 4m² + 6m + 2। तो u की वैल्यू 4m² + 6m + 2 हो गई। बोलिए क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, यश हीर बताइए क्लियर है? यस सर। चलिए जी, समझ गए? कुछ हल्का फुल्का आइडिया कुछ बैठ रहा दिमाग में? ठीक है। हाँ पूरा क्वेश्चन बैठ गया? आया ही नहीं। अरे दोबारा बताता हूँ, रुको। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। a = bq + r है, a = bq + r ये यूनिट डिवीजन लेमा होता है। a = bq + r ये वही है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे 3 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय, मतलब 17 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 3, कि मैं 17 को 3 से डिवाइड करूं, तो हम इसको बोलेंगे 3 × 5 = 15। 3 × 5 = 15, 17 − 15 करा तो रिमाइंडर आ गया 2। तो ये जो है ये तो मेरे लिए हो गया आर, ये हो गया कोशेंट यानी कि क्यू, ये जो 17 है ये हो गया डिविडेंड, डिविडेंड को बोलेंगे ए, और ये है डिवाइजर, इसको बोलेंगे बी। ठीक है, तो आप करके देख लो, बी क्यू मतलब 3 × 5 = 15 + r 15 + 2 = 17 = डिविडेंड, तो 17 के इक्वल आ गया। तो आप ये देखिएगा कि अगर मेरे से ये बोला जा रहा है शोधन का स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, तो अगर ऑड इंटीजर बोला जाता है तो ऑड इंटीजर का मतलब बेटा ऐसा है कि अगर मैं 2m ले लूँ तो ये इवन है, ठीक है। अगर मैं 4m ले लूँ तो ये भी इवन है, अगर 6m ले लूँ तो ये भी इवन है, 8m ले लूँ तो ये भी इवन है। जितने भी नंबर्स में से 2 कॉमन लिया जा सकता है वो सारे के सारे नंबर इवन है। लेकिन अगर मैं 2m लूँगा, 2m अगर मैंने ले लिया, आप एक तरह से 2m को 2q मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक कंडीशन होती है कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो इस केस में अगर देखें b क्या है, डिवाइजर, r is greater than equal to 0 and less than 3। तो r 0 के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है और 3 से छोटा होगा। इसका मतलब r की जो वैल्यू है वो क्या होगी, r is equal to 0 और 1, 0 और 1 और ना सॉरी वो भी होगी 0 और 1, r की वैल्यू ये होगी। तो आप ये देखिएगा कि ये केस कब हुआ जब डिवाइजर हमारा 3 था। अब अगर मैं डिवाइजर ले लूंगा 2 तो मेरे पास तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 0 और 1 ही आएगी, ठीक है। तो हमारे पास इवन ऑड नंबर कितने बन पाएंगे फिर? आप ये देखो, अगर मैंने 2m + 0 कर दिया तो ये बन गया इवन, इवन है ना। और अगर मान लीजिए मैंने कर दिया 2m + 1 तो ये बन जाएगा, 2m + 1 बन जाएगा ऑड। मेरे को तो एक ही ऑड नंबर मिला बस 2m + 1। और ऑड नंबर का स्क्वायर जो है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1। तो ऑड नंबर का स्क्वायर मुझे निकालना है और वो शो करना है कि 4q + 1 की फॉर्म का आ रहा है। तो सिर्फ एक ही केस दिखाना वो समझदारी नहीं है, क्योंकि उतने पर 5 नहीं मिलेंगे। तो हम ये देखते हैं कि दो केसेस ले लें, कम से कम दो केसेस तो हो ही जाए। तो इसलिए मैंने माना कि 4m कोई एक इवन इंटीजर है, 4m कोई भी एक इवन इंटीजर है। आप देखो ना, कोई भी इंटीजर है, m इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, ठीक है। लेकिन प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो अगर उसमें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 आप हाँ खुद से मान लिया, 6 भी मान सकते हो, 8 भी मान सकते हो। सर अगर हमने 8 लिया तो 7 बहुत सारे केसेस बन जाएंगे।
वो चार या पांच केसेस बन जाएंगे तो उतने केसेस उतने मतलब तीन नंबर के क्वेश्चन पे इतनी मेहनत करना कहाँ तक समझ आ रही है। तो वो मत करो, आप फोर ले लो। फोर लेने पर आपको दिखाई दे रहा है कि दो केसेस बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि फोर आपका डिवाइजर है और रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर क्या होगा? हाँ, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन फोर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो वन टू थ्री। ठीक है, तो अब yes, अगर, हाँ जी, तो अब अगर मैं 4m ले रहा हूँ, 4m ले रहा हूँ और 4m में अगर मैं 0 ऐड कर रहा हूँ तो 4m plus 0 तो फिर 4m ही हो गया ना, तो वो तो इवन ही रहा, मुझे तो ऑड चाहिए सिर्फ। तो 4m plus 1 एक तो ये ऑड हो जाएगा, मतलब इवन में ऑड ऐड कर दो हमेशा ऑड ही आएगा, और या फिर 4m plus 3 कि इवन में ऑड नंबर ऐड करो तो ऑड बन गया। तो या तो 4m plus 1 है आपका ऑड नंबर या 4m plus 3 है ऑड नंबर। तो ये जो दोनों ऑड नंबर हैं इनके जो स्क्वायर्स हैं वो कैसे भी करके 4q plus 1 के फॉर्म में आ जाए, और वो आ जाएंगे अगर आपने अज्यूम सही करा है तो वो आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बताइए, क्लियर है? यस। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो क्वेश्चन है ना, शुरुआत में पहली बार जब हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हमें लगेगा अरे यार ये तो इसमें तो अलग फंडा लग रहा है, इस क्वेश्चन में अलग फंडा लग रहा है, शुरुआत में ऐसा लगेगा, लेकिन आप जब एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन ही याद हो जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए जी, तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईशान बात हो गया है, समझ में थोड़ा बहुत आया होगा शायद, मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा आएगा सभी को समझ में, मैं सभी के बारे में बता रहा हूँ, उसने तो बोल भी दिया, ऐसा भी हो सकता है बाकी बच्चों को भी अभी ढंग से ना आ रहा हो समझ में, तो वो मुझे पता है। ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये शुरुआत में एक बार में नहीं आएगा समझ में, एक बार दो बार तीन बार हम करेंगे पक्का आ जाएगा, बैठ जाएगा ढंग से दिमाग में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट show that n square minus 1 is divisible by 8 n square minus 1 is n for next Nagaland. Show that n square minus 1 is divisible by 8 if n is an odd positive integer. If n is an odd positive integer, ठीक है, तो अंबर को क्या प्रूव करना है कि n square minus 1 is divisible by 8. n square minus 1 is divisible by 8. Hello? Hello? Haan ji sir. Haan ji. जैसे मतलब जब क्लास खत्म होगी मैं एक बार स्टेटस देखकर आपको कॉल कर दूंगा कि बारिश का क्या स्टेटस है ना? ठीक है, ओके। क्या बात है, कुछ बच्चों के पेरेंट्स उनसे प्यार करते हैं, उनका फोन आ रहा है, ऐसा हो जाता है कई बार बारिश में फोन आता है तो बाकी बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है कि तुम्हारे घर से फोन आया था। हाँ, तो कह रहे थे कि बारिश अगर रुके तभी भेजना, नहीं तो भेजना। चलिए जी, अगला देखते हैं, शो दैट एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई 8। कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना, जब घर से चले जाते हैं वो तो पेरेंट्स कहते हैं कि चलो जी चांद छूटी गए एक घंटे के लिए शांति हो जाएगी। क्या हो गया, आप में से कोई है इस तरीके का? ये तो तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए, शो दैट एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई 8 इफ एन इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब ना हमको जो नंबर लेना है वो नंबर भी थोड़ा सा ऐसा लेना है कि अब जैसे मान लीजिए एन स्क्वायर माइनस वन है और इन्होंने बोला कि एन क्या है, एन एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो एन को मैं क्या ले सकता हूँ, एन को मैं ले सकता हूँ 2q plus 1
या 4q प्लस 1 या 6q प्लस 1 या 8q प्लस 1, तो हम जानबूझकर ऐसा लेंगे जो जिसमें से 8 कॉमन लिया जा सके। डिविजिबल बाई 8 का मतलब क्या है, अगर किसी भी नंबर में से 8 कॉमन लिया जा सकेगा तो मैं बोलूँगा कि वो डिविजिबल बाई 8 है, ठीक है। तो n का अगर मैं स्क्वायर करूँगा, तो अगर मान लीजिए मैं 4q प्लस 1 वाला ले लेता हूँ, तो जब मैं 4q का स्क्वायर करूँगा तो वो 16q स्क्वायर बन जाएगा, और 16 जो है वो 8 से डिविजिबल है, वो 8 से डिविजिबल है। तो अगेन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं उसको क्या लूँगा, देखिएगा एज पर क्वेश्चन n is an odd positive integer n is an odd positive integer which is of the form, yeah, likhiyega, which can be of the form 4q plus 1 or 4q plus 3। यहाँ पर सिर्फ इतना प्रूव करना है, यहाँ पर सिर्फ इतना प्रूव करना है कि वो डिविजिबल बाई 8 है। यहाँ पर ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो 4q plus 1 की फॉर्म का है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कहा कि एज पर क्वेश्चन n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर वो दे रखा है, वो जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उसको मैं क्या ले सकता हूँ, 4q plus 1 या फिर 4q plus 3, बस समझ गए। जैसे पहले वाले में 4m plus 1 और 4m plus 3 लिया था, आप 4m plus 1 4m plus 3 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अगर उसमें कंफर्टेबल हो वो ले लो, ठीक है। छतरी रखी है ना, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, show that n square minus 1 is divisible by 8। ये प्रूव करना है कि n square minus 1 8 से divisible है, और n क्या दे रखा है, एक odd positive integer, तो odd positive integer या तो 4m plus 1 हो सकता है या 4m plus 3 हो सकता है, ठीक है ना। ये मैं तब ले रहा हूँ जब मैं 4 वाला लेकर चलूँ तब, ठीक है। तो हम जरा देखिए 4m plus 1 का whole square हो गया a plus b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस 1, ठीक है। अब जरा देखिए ना ये कितना हो गया, 16 a स्क्वायर प्लस 1 क्या, हाँ बोलो सर। इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी भी तो लगा सकते हैं, क्या बात है, बिल्कुल सही। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो फिर 4m into 4m plus 2 आ जाएगा, और फिर नहीं एक्चुअली क्या है ना, जस्ट फिर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब तब भी ऐसे ही बनेगी, कर मतलब तब भी ऐसा ही कुछ बनेगा 4m plus 1, नहीं समझे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऐसे लगा सकते हैं जैसे 4m plus 1 और 1 का स्क्वायर, ठीक है। या तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो, दोनों तरह से हो जाएगा, दोनों तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही कह रहे हो, जाएगा उस तरह से भी।
अच्छा अब इसमें प्लस वन और माइनस वन कट गया तो क्या बचा 16 एम स्क्वायर प्लस 8 एम तो यहाँ से 8 आसानी से कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बचा 2 एम स्क्वायर प्लस एम 2 एम स्क्वायर प्लस एम ये बचा अब इसको क्या बोल देंगे 8 क्यूब ठीक है या 8 क्यूब मत भी बोलो बस इतना ही दीजिए विच इज डिविजिबल बाई 8 सफिशियंट विच इज divisible by 8 अच्छा कोई भी चीज 8 से 4 से 6 से किसी भी नंबर से अगर divisible है तो ये कैसे प्रूव करा जा सकता है कि वो उससे divisible है वो चीज कॉमन आ जाए बस भाई 8 कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब अगर मैं इस पूरे टर्म को 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 से 8 कट जाएगा तो 2m square plus m आ जाएगा और 2m square plus m क्या है इंटीजर ठीक है तो which is divisible by 8 तो अगर किसी भी चीज को divisible प्रूव करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा में तो आप बस उसको दिखा दो कि कॉमन लिया जा सकता है उसको कॉमन लिया जा सकता है ओके सर समझ गए ठीक है अच्छा ये केस फर्स्ट हुआ अब केस सेकंड जरा देखें केस सेकंड करोगे एक बार खुद केस सेकंड अरे करो तो सही कोशिश तो करो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास करो एक बार केस सेकंड में क्या है इफ n इज इक्वल टू 4m + 3 इफ n इज इक्वल टू 4m + 3 एक फंडा याद रखना कि जो चीज जो भी टॉपिक मैथ्स में जितना ज्यादा डरा है ना भाई उसके पीछे पड़ जाना नहीं तो वो लास्ट तक ना वो ड्रैगन जैसा बन जाएगा इतना खतरनाक बन जाएगा वो डराते ही रहेगा फिर ठीक है तो अगर ये मुश्किल लग रहा है तो इसको बार बार कर लो अभी जरा जैसे कि n इज इक्वल टू 4m प्लस 3 है ठीक तो आप n स्क्वायर माइनस 1 इसके लिए करके दिखाओ करो करो तो सिर्फ मैं देख रहा हूँ जहाँ आपको बताऊंगा आपको इधर लिखना है एन स्क्वायर माइनस वन ये तो आप एन की वैल्यू ले लीजिए ना 4m प्लस 3 तो अब इसको ऐसे लिखना है कि एन स्क्वायर माइनस वन जैसे यहाँ का एन स्क्वायर माइनस वन वही करा है 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का करा दिया कर लो अगले अगले पेज से कर लो सर हो गया हाँ अभी आ रहा हूँ यशा सर हो गया 8 आ गया कौन बाकी बच्चों को देख रहा हूँ दो मिनट रुक जाओ सर आप ऑडिबल नहीं हो मैं कह रहा हूँ जरा बाकी बच्चों की कॉपियां देख रहा हूँ अभी बस एक मिनट वेट करिए जरा ओके हाँ अनन्या और यशिका हो गया m स्क्वायर माइनस 1 अब क्या करो 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर लगा दो सही कर रहे हो 4m का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 * 4m * 3 बताऊँ ना अभी तुमने m स्क्वायर माइनस 1 नहीं करा 4m का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 * 4m * 3 और माइनस 1 भी तो है अब जब माइनस 1 है तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8 और बस फिर भी आ जाएगा हो गया हवा चल रही है बैठ नहीं सकता सर इसमें बाहर नहीं लगेगा ना हाँ तो बारिश हो रही है हाँ बोलिए वही तो देख रहा हूँ हाँ। सही तो कर दिया तुमने वही ये 9 है और ये माइनस 1 है तो 9 माइनस 1 क्या हो गया प्लस का 8 16 एम स्क्वायर प्लस 24 है प्लस 8 और फिर 8 आ जाएगा 9 माइनस 1 कर दिया तो 8 आ गया ना नहीं नहीं काम करो उसके बाद दोनों काट लो अब यहाँ देखो 16m² 16m² + 24m
और प्लस 9 माइनस 1 कितना हो गया प्लस 8, बस अब अगले स्टेप में 8 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 बन गई बात भाई बता दो पीछे यशिका हो गया। चलिए जी अब इसके बाद और देखते हैं इसी का भाई तो ये वाली मैथ्स थोड़ी सी अलग है नंबर कम और अल्फाबेट्स ज़्यादा है। चलिए तो 4m प्लस 3 वाला आपने सभी ने लगभग कर ही लिया है अब इसके बाद मैं यहाँ पर करवाता हूँ अगला चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ ये तो था एम स्क्वायर माइनस वन अगला है प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई आर प्रूव दैट If x and y are prove that if x and y are odd positive integers are odd positive integers then x square plus y square is even then x square plus y square is even but not divisible by 4। समझ गए तो क्या बोल रहे हैं ये प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स तो x और y दोनों ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर उन दोनों का जो एडिशन है वो इवन तो होगा लेकिन डिविजिबल बाई 4 नहीं होगा तो इवन होने की क्या कंडीशन है कि वो 2 से डिविजिबल होगा बिल्कुल सही और 4 मतलब 2 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि वो जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें से 2 तो कॉमन लिया जा सकेगा लेकिन 4 कॉमन नहीं ले पाओगे आप। ठीक है तो उन्होंने बोला है प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है एक मिनट रुक जाओ ये ना पागल हो गया ले लो मर्जी है आपकी अगर हम 4 ले लेंगे ना 4 वाला अगर हम नंबर ले लेंगे तो उससे होगा क्या कि हमारे पास दो केसेस बनेंगे और दो केसेस सफिशिएंट होते हैं। ठीक है ना तो बड़ा लेंगे तो फिर उससे पहला उससे बड़ा अगर आप लोगे तो फिर 3 या 4 केसेस ज़्यादा केस हो जाएंगे तो ज़्यादा केसेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसका क्वेश्चन 3 नंबर का था दो केसेस को सफिशिएंट। ठीक है ना उसके बाद देखिएगा ये बोल रहे प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स तो मैं जानबूझकर कौन सा लेने वाला हूं हम ये कहेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 4m+1 एंड वाई इज इक्वल टू 4n+1 एक को m प्लस 4 m प्लस 1 ले लिया एक को 4n+1 ले लिया क्योंकि x और y दोनों अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ना अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो एक को 4m+1 ले लिया एक को 4n+1 ले लिया तो केस 1 लेट x = 4m+1 4 क्यों लिया
क्योंकि उन्होंने बोला है ना प्रूफ दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, x और y ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या कि कोई भी इवन लो और इवन में वन ऐड कर दो, क्या हो गया पेन की कैप गिरने में कुछ इसका पूरी रिवर्सिबिलिटी स्ट्रिंग है, समझ गए बोलो यस सर, ठीक है अब क्या करेंगे केस 1 जिसमें मैंने 4n plus 1 और 4n plus 1 ले लिया, तो अब मैं क्या करूंगा इसमें x square plus y square करूंगा, x square plus y square वही करना है ना, मुझे ये प्रूव करना है कि x square plus y square even तो होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, तो ले लीजिए x की वैल्यू 4n plus 1 का होल स्क्वायर, 4n plus 1 का होल स्क्वायर और हेलो हाँ जी ठीक है जी मैं भेजता हूँ, ओके ठीक है जी ठीक है ओके 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 आप नीचे पहुँच जाओ, कह रहे हैं वो दो मिनट में बस आ रहे हैं, नीचे वेट कर रहे हैं, वो 4m प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 4m प्लस वन का होल स्क्वायर हाँ अब हो जाएगा, तो करिएगा जैसे ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो गया, अब सबको एक्सपेंड कर दो ऐसे ओके plus 8m plus 16m square plus 1 plus 8m, ठीक है, तो square वाले terms पहले लिख लो 16m square plus 16m square, फिर m और n वाले terms लिख लो, तो plus का 8m और 1 plus 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, काश ये 2 ना होता ये 4 होता तो बात बन जाती, ठीक है, बस इस 2 ने परेशान कर दिया, नहीं तो ये 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 इन सब में 4 आ रहा है कॉमन, लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो अगर डिविजिबल बाई 4 दिखाना है तो थ्रू आउट में से 4 आना चाहिए ना कॉमन, थ्रू आउट में से 4 आना चाहिए कॉमन, तो पूरे में से 4 कॉमन नहीं आ रहा है, तो फिर क्या कहेंगे पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि इवन तो है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, समझ गए, ऐसा कोई नंबर बता सकते हो टू से भी जाएगा जो इवन तो हो लेकिन फोर से डिविजिबल ना हो, और सिक्स में तो होगा है ना, टेन टेन ई टेन स्क्वायर प्लस ई टेन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस फोर एन प्लस वन, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विच इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4, तो ये तो केस फर्स्ट हुआ, केस सेकंड करोगे खुद, केस सेकंड में x को क्या लेना है 4m plus 3 और y को क्या लेना है 4n plus 3, करो जरा ये मैं देख रहा हूँ आप करिए, बिल्कुल इसी के जैसे करना है, ठीक है, मैं आया बस एक मिनट
16 m square plus 9 plus 2 4 is 8 is 24 m plus 16 9 plus 9 18 16 m square 16 m square बढ़िया आप ये देखो ये चार डिजिट्स हैं एक दो तीन चार इसमें से तो फोर आ रहा है कॉमन लेकिन इसमें से फोर कॉमन नहीं आ रहा तो इट इज डिविजिबल बाय टू यानी कि इवन तो है बट नॉट डिविजिबल बाय फोर हो गया भाई क्रिश हो गया युक्ता पीछे बताइए भाई तीनों करो करो ट्राई करो आप बताइए दोनों ऑनलाइन वाले बच्चे हो गया क्या ठीक है सर हो गया ठीक है छोड़ दूं पक्का मैं चलूं आगे फिर दिखा दो दे दो 16m square plus 9 plus 24m plus 16m square plus 9 plus 24m अब तुम्हें क्या करना है बस एक स्टेप की दूरी पर हो 9 plus 9 हो जाएगा 18 इसमें से इसमें से इसमें से सब में से 4 कॉमन आ सकता है लेकिन 18 में से 4 कॉमन नहीं आ सकता 18 को डिवाइड नहीं करता ना 4 तो आप ये कह दोगे कि इट इज डिविजिबल बाय 2 यानी कि इट इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4 हुआ कि नहीं तुम्हारा इतना लंबा तो नहीं था वैसे चलो करो ट्राई करो ठीक है मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 minus n is divisible by 2 for every positive integer n for every positive integer n अभी क्या बोल रहे हैं जैसे 6 में था उन्होंने बोला कि x and y are if x and y prove that if x and y are odd positive integers तो मुझे x और y क्या लेने थे odd लेने थे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी देखिए show that the square of an odd integer है ना लेकिन इसमें क्या बोला इन्होंने prove that n square minus n is divisible by 2 for every positive integer and every positive integer तो every positive integer का मतलब क्या है कि आप इसमें odd भी ले सकते हैं और even भी ले सकते हैं odd और even दोनों ले सकते हैं ठीक है तो उसके लिए फिर हम हर केस में ये देख रहे हैं हर क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि दो केसेस लेकर चल रहे हैं तो दो केसेस के लिए यहाँ पर क्या करा जा सकता है यहाँ पर हम ये कहेंगे सिंस एम कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर क्योंकि वो बोल रहे हैं ना फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एम कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर So let m is equal to 2q or 2q plus 1 बोलो समझ गए कि नहीं 2q का मतलब क्या हो गया कि n एक इवन नंबर है n एक इवन नंबर है और 2q plus 1 का मतलब क्या हो गया कि n एक ऑड नंबर है तो एक का एक बार क्या करना है n square minus n ये ट्राई करना है ठीक है पहले वाले केस में if n is equal to 2q तो फर्स्ट केस लेते हैं If n is equal to 2q, then n square minus 1 का मतलब क्या हो गया 2q का square minus 2q
2q का स्क्वायर माइनस 2q, तो 2q का स्क्वायर क्या हो गया 4q स्क्वायर माइनस 2q। तो आप ये बोलिए कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, कॉमन लिया जा सकता है? यस सर। हाँ तो 2q स्क्वायर माइनस q, हम ये कहेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 2। Yes, it is divisible by 2. ये हो गया केस फर्स्ट। उसके बाद केस सेकंड की बात करते हैं। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. नहीं समझे? भाई देखो, अब इन्होंने क्या बोला? N can be any positive integer. तो any का मतलब क्या? अच्छा ये n square minus n, हमको लेकर ही चलना था कि n square minus n को ही मुझे प्रूव करना है कि ये 2 से divisible होगा, है ना? तो n की वैल्यू पहले मैंने ले ली 2q, if n is equal to 2q. तो n की जगह 2q डाला, तो 2q का स्क्वायर माइनस 2q, मतलब n स्क्वायर मतलब 2q का स्क्वायर माइनस 2q। अब 2q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, q का स्क्वायर q स्क्वायर 4q स्क्वायर माइनस 2q। तो इन दोनों में से 2 तो कॉमन आ सकता है, और जब 2 कॉमन आ रहा है किसी भी टर्म में से, तो हम ये कहेंगे कि इट इज डिविजिबल बाय 2। हो गया? Yes, समझ गए? ठीक है, अब तो यस इट इज डिविजिबल बाय 2। तो ये तो केस फर्स्ट हुआ। केस सेकंड ले लेते हैं। तो केस सेकंड में क्या है, n इज इक्वल टू 2q था, तो 2q मतलब ये इवन था, है ना? अब ऑड के लिए भी ले लो। इफ n इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ये क्या हो गया, ये ऑड हो गया ना, देन n square minus n कितना हो जाएगा 2q plus 1 का square minus 2q plus 1, 2q plus 1 का square कितना हो जाएगा 2q का square plus 1 का square plus 2 into 2q into 1, और ये क्या हो गया minus 2q minus 1। 2q का square कितना हो गया 4q square, 1 का square 1 plus 4q माइनस 2q माइनस 1। समझ गए कि नहीं? यहाँ पर हम जरा देखिएगा, 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर 2q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इनटू 2q इनटू 1, और ये माइनस था तो माइनस 2q माइनस 1, ये कर 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, कट गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि 4q स्क्वायर प्लस 4q माइनस 2q इज 2q, तो इसमें से भी 2 तो कॉमन आ रहा है ना। यस, तो 2 ले लिया कॉमन, क्या बचा 2q स्क्वायर प्लस q, तो यस इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यही हमको प्रूव करना था कि n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। तो n कुछ भी हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए n स्क्वायर माइनस n जो है वो डिविजिबल बाय 2 होगा ही। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और बाकी मैं आपको ठीक है, मैं आपको कुछ होमवर्क भेजूंगा, इसका करिएगा आप लोग ट्राई। ओके सर। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे, 2 या 3 होंगे। नहीं हो पाए तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में थोड़ा सा ये अजीब लगता है, टफ नहीं है, थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, तो देख लेंगे।